हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर एक 3D के अंदर हाउस डिज़ाइन लेकर आया हूं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो ये पूरा 3D के अंदर है, मैं इसके अंदर आपको बेडरूम कहाँ पर बने हुए हैं और साइज़ वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज भी कर सकते हो। ये 50 फीट बाई 30 फीट के अंदर जो हमारा मकान है वो बना हुआ है। 50 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट इस मकान की गहराई है, ठीक है। और मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, सामने भी इनकी है और बाकी तीनों साइड भी इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो आप अगर रूम वगैरह की साइज़ वगैरह कम करते हो या रूम वगैरह कम करते हो तो आपकी जो है प्लॉट की साइज़ भी कम हो जाएगी, तो वो आप अपना अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ इस एक रिव्यू के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा इसका फ्रंट एलिवेशन जो कि आपका इस प्रकार से दिखेगा। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर इसके अंदर हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम जैसे ही 2-3 स्टेप करते हैं तो यहाँ पर हमारा लैंडिंग बना हुआ है जो कि आउटर सीटिंग के साथ है। ये यहाँ पर हमारा आउटर सीटिंग बना हुआ है। ये देखिए बाहर की तरफ 2 पिलर हैं और ये हमारा छोटा सा हुड बना हुआ है, ठीक है। और इस हुड के सामने ही हमारा घर का मेन डोर है और इस मेन डोर के दोनों तरफ विंडो भी निकल रही है। और ये हमारा इस प्रकार से यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन हमने दिया है। ये हमारी बालकोनी रहेगी जहाँ पर हमारी रेलिंग वगैरह लग जाएगी इस टाइप से, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ अलग भी डिजाइन करवा सकते हो। तो ये हमारा सामने से रहेगा। अब चलते हैं घर के अंदर। तो इस मेन डोर के माध्यम से हम घर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा अंदर की तरफ का घर का मेन डोर आ गया, ठीक है। और इस मेन डोर के दोनों तरफ हमारी ये विंडो निकल रही है। इस मेन डोर से हम जैसे ही घर के अंदर एंटर होते हैं तो दोस्तों ये हमारा आता है लिविंग एरिया। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया जिसके अंदर आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे। और इस लिविंग एरिया के साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, ठीक है। ताकि आपके जो भी मेहमान वगैरह वो यहाँ पर बैठते हैं, अगर टॉयलेट वगैरह जाना है तो उनको यहाँ से वो नज़दीक ही यहाँ पर हमने टॉयलेट बनाया, तो यहाँ से वो अपना टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉयलेट का जो वेंटिलेशन है दोस्तों वो यहाँ पर हमारा सामने फ्रंट के अंदर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा लिविंग एरिया है और यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया है, और लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया के दोनों के बीच में हमने यहाँ पर पार्टीशन किया। आप चाहो तो इसको ग्लास से या लकड़ी से किसी भी आप पार्टीशन या दीवार वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको पार्टीशन कर सकते हो ताकि दोनों का अलग अलग हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लिविंग एरिया है इसके यहाँ पर एक हमें दरवाज़ा नज़र आ रहा है। इस दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर हमारा दोस्तों बेडरूम बना हुआ है, और इस बेडरूम की हमारी जो विंडो है वो सामने फ्रंट के अंदर निकल रही है। ये जो आपको विंडो दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेडरूम हो गया, और ये हमारा हो गया लिविंग एरिया, और यहाँ पर हो गया हमारा कॉमन टॉयलेट, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सामने 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोनों दरवाजे पास पास में, इन दोनों दरवाजों को हम जैसे ही खोलते हैं तो ये हमारे 2 बेडरूम आ रहे हैं, और एक बेडरूम तो वो हो गया और 2 बेडरूम, ये टोटल 3 बेडरूम का ये हमारा मकान है। तो ये 2 बेडरूम हो गए। इन दोनों बेडरूम की यहाँ पर देखिए, एक बेडरूम की विंडो यहाँ पर सामने निकल रही है, और ये जो बेडरूम है इस बेडरूम की विंडो हमारी यहाँ पर पीछे की तरफ निकल रही है। ये जो आपको दिख रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो सामने फ्रंट के अंदर बेडरूम है उसकी विंडो यहाँ पर निकल रही है, और जो पीछे की तरफ बेडरूम है उसकी विंडो यहाँ पर निकल रही है। अब ये जो बैक साइड का हमारा जो बेडरूम है इसके अटैच के अंदर हमने यहाँ पर देखिए, ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है, इस दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो इस बेडरूम का अटैच हमारा टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट हो गया, ये अटैच टॉयलेट हो गया। इसका जो वेंटिलेशन है वो पीछे बैक साइड के अंदर यहाँ पर निकल रहा है। अब यहाँ पर वापस आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा है डाइनिंग एरिया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हमारे आराम से डाइनिंग टेबल लग जाएगी, और इस डाइनिंग एरिया की विंडो भी हमारी यहाँ पर देखिए स्टेयर केस के नीचे से पीछे की तरफ निकल रही है। और यहाँ पर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर हम लोग छत पर उतर जाएंगे। ये हमारा स्टेयर केस रहेगा इस तरफ से एल आकार के अंदर, और यहाँ पर हमारे आराम से नीचे की तरफ यहाँ पर बड़ी सी आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और अगर टीवी पैनल वगैरह आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना टीवी भी लगा सकते हो इस पार्टीशन वॉल पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको जो दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पर ओपन किचन है, क्योंकि यहाँ पर हमने दरवाज़ा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इस किचन के सामने सिर्फ डाइनिंग एरिया आ रहा है, लिविंग एरिया नहीं आ रहा, तो कोई भी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। आप ओपन भी दे सकते हो क्योंकि आपके मेहमान वगैरह वो यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से हम जैसे एंटर होते हैं तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर किचन बना हुआ है, जिसकी विंडो हमारी पीछे बैक साइड के अंदर निकल रही है। और इस किचन के साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा स्टोर रूम है, और इस स्टोर रूम का दरवाज़ा हमारा ये यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। किचन का जैसे एंटर होते हैं तो उसके पास में हमारा स्टोर रूम का यहाँ पर दरवाज़ा है। तो मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ पूरा। तो ये देखिए दोस्तों,
ये हमारा सामने का हुड हो गया, और ये यहाँ पर हमारा हुआ लिविंग एरिया, कॉमन टॉयलेट, बेडरूम, बेडरूम, इस बेडरूम का टेस्ट टॉयलेट, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, इसके अंदर स्टेयरकेस, किचन, स्टोर रूम, और ये हमारा हुआ बेडरूम, और ये हमारा हुआ सामने का फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, आप फ्रंट एलिवेशन अपना अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, आप चेंज कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से हमने किया है। अब जो आपका ये आउटर सीटिंग है, यहाँ पर भी आप चाहो तो दो दो ढाई ढाई फिट की आपकी बाउंड्री वॉल निकाल के रेलिंग वगैरह लगा के इसको अच्छा लुक भी दे सकते हो। मैंने आपको सिंपल सा एक रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मकान आप चाहो तो इस टाइप से भी बना सकते हो, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्री बेडरूम का है, दो टॉयलेट है, स्टोर रूम है, किचन है, डाइनिंग और लिविंग एरिया अलग अलग है, और स्टेयर केस भी हमारा घर के अंदर से हमने दे रखा है। तो ये इस प्रकार से हमने डिज़ाइन दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, थैंक्स।